हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका चैनल पे। दिस इज डे थ्री। यस एंड सॉरी, मैं रोज यही टी शर्ट पहन रहा हूँ बिकॉज लाइक एन इडियट आई डिडंट गेट डिफरेंट टी शर्ट फॉर स्टेइंग। सो यस, सो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता, उसके बाद वी विल लीव। क्या क्या है? इडली, उपमा, ऑमलेट। सो एक्चुअली वी वर सपोज टू लीव टूडे। अभी हम लोग ऑन द वे टू मुंबई होने चाहिए थे, बट हम सबने सोचा कि यार एक्चुअली मेरी तबीयत भी थोड़ी परसों रात को ठीक नहीं थी। सो वी थॉट कि कल का दिन देखते कैसा है। कल का दिन आई वॉज ऑल फाइन, बट देन सोचा कि चलो अभी आए गए तो थोड़ा नॉर्थ गोवा भी जाके आते हैं। नॉर्थ गोवा ये साइड ये टाइम पे गए नहीं, सो नॉर्थ गोवा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स द रीज़न वी आर स्टेइंग हेयर वन मोर डे। अब इसके बाद फिर एक डेढ़ साल कोई गोवा आएगा नहीं। नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं गोवा आने का विंटर में डायरेक्ट। कैसे? बाय बाइक? बाय ओ जो भी है बाइक जो भी है। उसके पहले यहाँ पे एक एक बेताल बातिम बीच कुछ है और कोलवा, हाँ एंड कोलवा बीच भी है। सो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ से नॉर्थ गोवा जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ गोवा। मेरा टी शर्ट पहन के। यस, आई डोंट हैव क्लोथ्स, आई एम आउट ऑफ क्लोथ्स, बाय मी सम। क्या खर्चा होने वाला है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं बेता बातिम बीच। कोलवा बीच के बाजू में ही है। थोड़ा सा अलग रास्ता लिया है। अरे यार, अरे यार, आज थोड़ा सा मौसम ओवरकास्ट है। देर इज नो सनलाइट। अभी थोड़ा सा आभाड़ है आज, बट बारिश गिरने की संभावना तो हो सकती है। सो नो प्रॉब्लम, हमने रेनकोट कैरी किया है, बट स्टिल तेरे बिल्ली ने लेफ्ट टू राइट कट किया। अरे यार, अरे यार, कल से मैं बहुत गलत टर्न ले रहा हूँ। बेताल बाटी है वो, बाटी में क्या? अरे विक्रम बेताल कुछ बोल रही थी कल। विक्रम बेताल बीच एंड क्या बेताल बाटी कई आप लोग हंगत रहा थे। ओ वाव, हे वाव। और इधर बीच पे हम लोग पहुंच चुके हैं। या देर इज द बीच। अभी गाड़ी कहाँ तक जाती है देखना पड़ेगा। गी 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 गी, रुको रुको जाएगी थोड़ी ठकुराइन जी ऊपर जाके देखेगी, फिर बताएगी कि पॉसिबल है या नहीं, नहीं तो फिर इधर ही लगा देंगे। आई डोंट वॉन्ट टू राइड इन ज़्यादा डीप सैंड बिकॉज फिर चेन पे अगर वो उड़ गया ना तो फिर वो चेन पे पूरा मिट्टी और चेन ख़राब जल्दी होती है, विच आई डोंट वॉन्ट। कुछ फ़ायदा ही नहीं है, उसे तो नीचे ही रख देते। ठीक है, हमने कुछ कलेक्ट किया है शेल्स, सी शेल्स अलग अलग टाइप के। यू कैन सी सो मच वैरायटी यहाँ पे, बहुत सारे हैं। वी गॉट इट फॉर किड्स इन द हाउस, इंटीरियर काइंड ऑफ। सो अ वेरी बिग ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चालू है। ये वही रोड है जो उस दिन फर्स्ट डे हम लोग आ रहे थे तभी हम लोग यहाँ फंस गए थे, बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो चुके थे। सो इसी का ऑप्शन अभी बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। और ये रहा वो खूबसूरत सा ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज। तो पहले ऐसे दो ब्रिज थे, अभी बीच में से एक खड़ा कर दिया है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब ये ब्रिज नहीं था, कुछ साल पहले मतलब पणजी आया था तब। सो वी आर एट दिस रेस्टोरेंट इन नॉर्थ गोवा अंजुना में। हम लोग एक्चुअली लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे गोवा आया था, नॉर्थ गोवा अंजुना। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल गोवन थाली। जैसे अभी राइस है यहाँ पे, एक भाजी है, ये है सुकट, ये है श्रिम्स, ये है पॉम्फ्रेट फ्राई, ये है करी, इसमें भी प्रॉन्स है, एंड दिस इज सम सॉस आई थिंक। वेरी नाइस थाली फॉर 180 रुपीज़, है ना। लेके गए थे ना अपन दापोली राइड में, वो बनाएंगे अभी अपन, ये इस टाइम में भी बनाएंगे। साथ में हमने रोटी भी मंगाई है बिकॉज सिर्फ राइस तो नहीं खा सकता मैं। वेरी वेरी वेल कुक्ड सुकट, उसके साथ थोड़ा सा करी, थोड़ा सा सोलकड़ी का टैंग और खा लो।
एंड लुक एट दिस फिश, इतना परफेक्टली कुक्ड है, इट इज पॉम्फ्रेट, वाओ वाओ वाह। सो गाइस ये रहा वो रेस्टोरेंट गोवन स्पाइस, वेरी नाइस रेस्टोरेंट। ये रहा वो रोड, तो रोड देख के आप लोग समझ जाओ कि वो किधर है। अंजुना गूगल मैप्स पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। गलियों में हम लोग है जा रहे हैं कर्लीज बीच के वहाँ पे, बिकॉज इट इज़ अ गुड प्लेस। जाने दे भाई, जाने दे, ओ या। All right, we have arrived. We have arrived to Curly's. It is a very good place. और बाइक लगाने के लिए भी यहाँ पे टेंशन नहीं है, आई थिंक सो। मस्त जगह है ना, वाह। तो ऐसा हमारा रहता है टैंक बैग बोल रहा हूँ, टॉप बॉक्स। सो वो वहाँ पे हमने गाड़ी कर दिया पार्क, एंड दिस इज द एंट्रेंस फॉर कर्लीज। मस्त व्यू है यहाँ से एकदम, एंड द बीच इन कर्लीज इज सुपर्ब। सो ये रहा कर्लीज का बीच, बेसिकली कर्लीज रेस्टोरेंट का नाम है, लेकिन कर्लीज बीच के नाम से ये बीच फेमस हो गया है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। अभी हाई टाइड है, ओ माई गॉड। सो अभी है हाई टाइड, नहीं तो लास्ट टाइम हम लोग ऐसे वहाँ चढ़ के उधर भी गए थे, जो वो बंदा खड़ा है ना उधर, बट अभी पानी ज़्यादा है, सो वी कैन नॉट गो देयर, बट इट इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेस। यहाँ पे ये क्लब एंड डेक है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड आपको दिखेगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्राउड, एंड यहाँ पे ऐसे टाइम पास यू नो लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज आई लाइक इन गोवा इज दिस। सो पेट्रोल भर लेते बिकॉज कल सुबह का टेंशन नहीं मांगता, और गोवा में सस्ता भी है। सो गाइस हम लोग अभी होटल पहुंच चुके हैं, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पैकिंग। सो वी ऑर्डर्ड सम फूड स्विगी से, हमने कुछ ऑर्डर किया है बिकॉज ज़्यादा भूख है नहीं। डायरेक्टली पैकिंग, अभी पूरा अभी सामान यहाँ पे पसरा पड़ा है, ये सब पैक करना है इन पैनियर एंड टॉप बॉक्सेस, एंड कल सुबह 5 बजे का टारगेट है, 5:30 बजे तक निकलने चाहिए, वी होप निकल जाएंगे, बिकॉज अपने घर से निकलने का मतलब सब तामझाम रहता है ना, घर लॉक करो ये सब करो, इधर क्या है। सो आई थिंक होप्सफुली निकल जाएंगे। अब ये वीडियो कितना लंबा था मुझे पता नहीं, वो एडिटिंग के बाद पता चलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट डाउन बिलो, और गुड नाइट। नहीं नहीं, और एक बाकी है ना, डू सब्सक्राइब, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड लाइक। सो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। अभी नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज अभी वापस से वो कशमकश है जो उस दिन हम मतलब रोने के सिचुएशन पे आ गई थी, अभी देखते हैं कल क्या होता है। सो यस, आई होप यू लाइक दिस सीरीज, अभी सीरीज का लास्ट पार्ट बाकी है। सो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, बद रहो, फिर से बोल रहा हूँ टेक केयर एंड राइड सेफ।